सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, कस्टम मेनिया। सो गाइस, जैसे कि टाइटल में आपने देखा होगा और थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा, आज मैं अपनी टेल लाइट के बल्ब को चेंज करने वाला हूँ। तो आज हम अपने जो हेलोजन टाइप बल्ब आप कह सकते हो, उसको हम चेंज करेंगे एलईडी से। तो गाइज़, ये एलईडी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, अगर आपको लेना होगा आप ले सकते हैं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको एक बार रात का रिव्यू दिखाऊंगा कैसा ये रात में लगता है और आपको इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग इससे कंप्लेंट करते हैं कि इसकी जो लाइट है वो काफ़ी कम है। तो आज सारी बातचीत इस वीडियो में होने वाली है और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर गाइज़ नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको किसी कार मॉडिफिकेशन, बाइक मॉडिफिकेशन मिलते रहती है, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके साथ हमें बल्ब मिल जाता है। तो इसके अंदर दो बल्ब हैं और गाइज़, मैं अगर पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत ही एवरेज पैकेजिंग थी। सिर्फ ये आप बॉक्स देख सकते हैं और इसके बाहर से एक शीट थी, जो नॉर्मल शीट आती है अमेज़ॉन से, वाली शीट लगी थी। तो पैकेजिंग के मामले में थोड़ा बहुत इसमें चांसेस हैं कि ख़राब हो सकता है शिपिंग वगैरह में। साइड से इसमें हमें स्ट्राइप मिल जाती है और इसके अंदर तीन एलईडी पीसेज हैं। जो बल्ब होते हैं वो तीन हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके साथ हमें दो पीसेस मिल जाते हैं हमारी दोनों साइड की लाइट के लिए। और अगर आप इसके पीछे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये जो हमारे स्टॉक बल्ब आते हैं उसके जैसे ही लगेंगे। और इसकी ब्राइटनेस वगैरह का थोड़ा इशू रहता है, ऐसा मैंने सुना है। तो आज मैं खुद टेस्ट करूँगा। और गाइज़, अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग में बता दूँ तो इसकी प्राइसिंग है 180 रुपीज़ के समथिंग में आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पर। तो चलिए दोस्तों, पहले से फिट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, मैंने फ़िट कर लिए लाइट्स और थोड़ी बहुत ब्राइटनेस अभी मुझे कम लग रही है डे टाइम पे, और वैसे थोड़ा कम लगता ही है, फिर भी एक बार शाम को मैं आपको इसको पूरा लुक दिखाऊंगा। अब मैं एक बार ब्रेक लाइट ऑन करता हूं और आप इसकी फ्लिकरिंग देखिए कितनी जल्दी फ्लिकर करता है। तो दोस्तों, आपने ये तो ब्रेक लाइट देखी, अब एक बार आप पार्किंग लाइट का यूज़ देखिए कि पार्किंग लाइट में कैसा वर्क कर रही है। तो मैंने अभी पार्किंग लाइट ऑन कर दी, तो ये लाइट जल चुकी है। मैं ब्रेक दबाऊंगा तो ये तब उस टाइम पे फ्लिकर करेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा अच्छा भी लगता है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पार्किंग लाइट भी जली रहने देनी चाहिए, उसके बाद ही एक ब्रेक लाइट जलती तो और अच्छा लगता। बट अब आप देख सकते हैं मैंने पार्किंग बंद कर दी है और अब जो है वो सिर्फ लाइट ही लाइट फ्लिकर कर रही है। तो दोस्तों, अब रात हो चुकी है और एक बार आप रात में देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये जो है लाइट में थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है। अब ये कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि मैं भाई अपनी जो कार की लाइट है रेगुलरली देखता हूं, तो मुझे पता है कि जो हेलोजन वाली बल्ब है वो थोड़े ज़्यादा ब्राइट होते हैं इस वाले एलईडी बल्ब से। बट ओवरऑल उतना भी ऐसा कोई डिम नहीं है कि दिख ही नहीं रही है, बहुत अच्छे से दिख रही है। इवन आप देख सकते हैं रात में बहुत प्यारा लुक आ रहा है, क्योंकि जो मेरी नीचे की जो स्टॉपिंग लैंप्स लगाए थे मैंने एक्स्ट्रा, जो फ्लिकिंग वाली लाइट होती हैं वो भी फ्लिकर करती है, और ऊपर की जो मेन टेल लैम्प्स होते हैं वो भी करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। और गाइज, मैं इसके साथ कुछ पहले वाले बल्ब की फुटेज भी ऐड कर देता हूँ।
और गाइस आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। और ये जो वीडियो है बहुत शॉर्ट है और सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और ये प्रॉपर एक मॉडिफिकेशन की चीज़ है, अगर आपको टेल लाइट के साथ करनी है मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो इस चीज़ को लगा के। और बट स्टिल भाई फिर भी थोड़ा बहुत आपको चांसेस हैं कि थोड़ा विजिबिलिटी का इश्यू है। इससे अच्छा तो आप एक एक्स्ट्रा लैंप लगा के रखें, जैसे या तो स्पॉइलर में ब्रेक लाइट होती है या फिर कोई नीचे से जैसे मैंने लगाई है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ।